तो आज हमारी जो जायके की तलाश है, हमें लेकर आई है ब्रह्मपुरी रोड पे। उसके सामने एक ये मल्टी कुजीन है एहसान करके। ये भाई आजकल बड़ी जबरदस्त आइटम बना रहे हैं। ये जितना भी है बारबेक्यू सेशन चल रहा है इनका, और इनकी जो मलाई टिक्का है बहुत फेमस है। तो भाई पब्लिक का भी रिव्यू लेंगे, खुद भी खाएंगे, और जो इनके ओनर हैं भाई एहसान, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देरी के बगैर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ, अंदर में लेके चलता हूँ और यहाँ का एम्बियंस दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत एम्बियंस है। नीचे इन्होंने सेटिंग का एरिया भी बना रखा है, पार्सल और पैकिंग का दोनों काम कंटिन्यूस चलते हैं। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसान चिकन पॉइंट के कुजीन के अंदर, और ये भाई एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई एहसान? क्या स्पेशल है आज भाई? मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, अफगानी तंदूरी हरियाली, और ये हमारे स्पेशल मंदिर चल रहा है। अच्छा, चिकन अल्फाम चल रहा है पे, चिकन को अल्फाम होने के लिए भाई माशाल्लाह पैकिंग चलती रहती है, रुकती नहीं है भाई। डाइनिंग में भी है, डाइनिंग में हमने मजलिस वाला सिस्टम कर रखा है माशाल्लाह, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया स्पेस बना रखा है, सेपरेट एकदम। अच्छा, हाँ जी, आए और एक बार खिदमत का मौका दें। जायके है ना, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पे एक चाचा आए हुए हैं, ये पार्सल कराने आए अपना ऑर्डर। तो चाचा बताओ क्या लेने आए हो? चिकन टिक्का और कबाब। अच्छा, हाँ मशहूर कबाब है, अच्छे कबाब है, रोज लेके जाते हैं, रेगुलर आते हो? अच्छा, ले रहे हो कबाब? यहाँ से कम हो गया है 5-6 महीने, 7 महीने से, 5-6 महीने से रेगुलर खा रहे हो, इतने जबरदस्त लग रहे हैं। तो कबाब तो चाचा पूरे इलाके में बिक रहे हैं, कहीं और कबाब समझ में नहीं आते क्या? यहाँ के कबाब अच्छे लगते हैं वाले। अच्छा, बात ही अलग है। इधर तो है ये चिकन का इनका सेटअप, और इन्होंने बराबर में जो है रोल वगैरह बनाने का बना रखा है, चिकन रोल बनते रहते हैं। तो भाई देखें यहाँ पे जो है चिकन रोल फ्रेश फ्रेश तैयार हो रहे हैं, आप देखें। सारी डिशों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये क्या है भाई, ये क्या रख रखा है? चिकन चंगेजी। देखें भाई ये टेक्सचर देखें और कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। उसके साथ में जो इन्होंने जो है बारबेक्यू का सेशन बना रखा है, ये बीच में फ्राई का सिस्टम है, और यहाँ जो है ये कबाब वगैरह और ये तुम्हारे हरियाली टिक्का वगैरह सब यहाँ तैयार हो रहा है। देखें आप जितनी भी आइटम है ना, टोटल बारबेक्यू के अंदर डील करते हैं, टोटल मुगलाई और अफगानी के अंदर ही डील करते हैं। तो जो भी इनका बारबेक्यू सेशन है ना, बाहर की तरफ इन्होंने वीडी लगा रखी है, और यहाँ लगा रखा है इन्होंने तंदूर। यहाँ जो है फ्रेश फ्रेश नान वगैरह तैयार होते रहते हैं और अंदर सर्व होते रहते हैं। और डाइनिंग भी इनकी बड़ी खासियत है, ऊपर जो है इन्होंने मजलिस बना रखी है, उसे भी कवर करते हैं। तो अंदर लेके चलता हूँ। तो भाई ये जो है इनका डाइनिंग का एरिया है, सीटिंग देख सकते हैं आप कितनी बड़ी उसमें है, काफी बड़े एरिया में जो है ना इनकी सीटिंग का एरिया है। यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो इनसे पूछने की वजह पहले अपना नाम बताओ भाई। मोहम्मद भाई, कैसा खाना है? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। क्या लेते हैं? तंदूरी मेरा बेस्ट है यहाँ का। अच्छा, हमने इनकी मलाई टिक्के की भी बड़ी तारीफ सुनी है, खाया वो आपने? अच्छा है वो, अभी हमने खाया। अच्छा अच्छा, वो भी खाया है। मेरा जो फेवरेट है वो ये है, तंदूरी रोस्टेड जी। तो कितने टाइम से खा रहे हैं, कुछ बताएगा? लगभग 3 साल का। और प्राइस वगैरह का? प्राइस ठीक है, और प्राइस भी जो है रिजनेबल ही है। और ऊपर जो है इन्होंने मजलिस बना रखी है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो हमें वीडियो बनानी थी, तो हमने थोड़ा जल्दी आके कैप्चर कर ली। गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। वही देखें नीचे जो है डाइनिंग का एरिया था, और यहाँ इन्होंने मजलिस टाइप बना रखा है, आप देख भी सकते हैं, कैबिन बना रखा है छोटे छोटे।
अगर 5-7 आदमी आते हैं तो इन केबिल के अंदर बैठ सकते हैं। हम आए अपने यार दोस्तों के साथ, इन केबिनों के अंदर बैठ सकते हैं। मजलिस का बहुत जबरदस्त इंतजाम कर रखा है भाई। एक ग्रुप जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या हाल है भाई के? बस बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कैसा खाना है, जरा खाने के बारे में बताएं। बड़ा नाम सुना हमने तो, मतलब इसे छोटा बच्चा भी खा लेगा, बड़ा भी खा लेगा। जब कम मिर्चें खाता है वो भी इजीली इसको खा सकता है। बहुत मतलब टेस्टी है खाना ओवरऑल, मतलब ओवरऑल जो है बेस्ट है। हाँ, और चिकन, अच्छा, चिकन के कबाब है। ये मलाई टिक्का है और ये मलाई टिक्का, ये नान है, ये नान है भाई। ये है तो टीचर है तो सर, मगर बच्चों के साथ में ना, अपने स्टूडेंट के साथ में इस डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, इस मील को एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, कभी फ्रेंडली होकर काम करा जा सकता है। तो खाना कैसा है, खाना बताएं पहले आप। खाना तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है खाना, कुल मिला के पैसे वसूल है, किफायती है। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर इसके प्राइस देखा जाए तो उससे ज़्यादा टेस्टी है, उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस देखें, इतना माशाल्लाह इतना बढ़िया मज़े का खाना हमारे सामने आ चुका है। तो जो इनकी सिग्नेचर आइटम है, हमने वो ऑर्डर करी थी, मलाई टिक्का हमारा आ चुका है। और ये इन्होंने हमें दिया फ्राई, और साथ में इसके दिए अनियन लेमन, और ये दिए हैं इन्होंने बटर नान। तो भाई इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे भाई इसका जायका कैसा। तो पहली बाइट गला हुआ है, गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ है, देखें आप अच्छी तरीके से रोस्ट हुआ हुआ है। और ये देखें बिल्कुल, तो पहली बाइट मलाई टिक्के की, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर पड़ी हुई है क्रीम, और ये ग्रेवी जो इसका बेहतरीन ग्रेवी बना रखी है, क्रीम के साथ में ना अमूल बटर के साथ में इसे गार्निश करा है। तो क्रीम का और बटर का ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। और जो ये अपना टिक्का है ना, ये जो चिकन के पीसीज हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से ना स्मोक हुए हुए हैं, कोयले का ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो भाई सिग्नेचर आइटम है भाई इनकी, जो बात है सिग्नेचर है वाकई में ही भाई, बेहतर है। मलाई टिक्का आला है भाई, आसपास के जायकों में ना ये भी एक आला जायका है। फ्राई भी दिखाता हूँ मैं, पूरा बिल्कुल क्रंची फ्राई हो रहा है। और इसके साथ में दिए ये हमें चटनी दही की, तो एक बाइट में फ्राई का भी लेना चाहूँगा भाई। फ्राई भी आला है भाई, पूरा क्रंची है और चटपटा फ्राई है, जैसा होता है ना अमूमन पुरानी दिल्ली टाइप का, वही फ्राई है, वही टेस्ट है। ये भाई ने हमारे लिए ना रोस्टेड टंगड़ी भेजी, और बिल्कुल गर्मा गर्म रोस्टेड टंगड़ी है, देखो भाई बहुत ही आला टेस्ट है इसका भी। तो पहले इसे फिनिश करेंगे, उसके बाद इस पर नंबर लगाएंगे। कैमरे को देंगे 2 मिनट का ब्रेक, आपसे चाहेंगे थोड़ी सी माजरत, इस खाने को फिनिश करके ना ब्लॉग में करते हैं आपसे बाद में बात। भाई माशाल्लाह इतने मज़े के खाने से फारिग हो चुके हैं, खाना बहुत ही आला था भाई। एहसान भाई से थोड़ी सी बातचीत करेंगे और पूछना चाहेंगे कि भाई क्या क्या मेहनत है इसके पीछे की, इतना टेस्टी जो खाना है। तो एहसान भाई क्या राज है इस खाने के पीछे का, कुछ बताना चाहोगे, कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ? भाई मलाई टिक्का ये हमारा जो है स्पेशल इसलिए है कि हम इसमें जो है लाल मिर्च और पीली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, वाइट और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल लाइट मसाले इसके अंदर, आप डेली खा सकते हैं, इसमें जब भी कोई इश्यू नहीं आया। एक हमारा डाइट और चलता है बोनलेस डाइट, जो कि जिम वाले बहुत बंदे खाने आते हैं, और जिम वाले जो है हमसे कनेक्टेड है। और ये डाइट वाला जो है हमारा, ये इसमें एक सीख में 220 ग्राम वेट है, और 50 से 60 ग्राम तो प्रोटीन है। 90 रुपए की सीख है, जिम वालों के लिए कंटिन्यू जो है आप कर सकते हैं। लो ना भाई डाइट। और इसका ये मलाई टिक्के का क्या रेट है? मलाई टिक्का हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता पूरे सिलमपुर में, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मलाई टिक्का 160 रुपए का। देखिए जो जिम वाले लड़के हैं ना, जो डाइट का खाना ढूंढते हैं, कहाँ खाएं कहाँ खाएं, तो भाई ये एक अच्छा मल्टी कुजीन है। यहाँ पे आके अपने डाइट का जो है ना, अपना पैक भी करा सकते हैं, खा भी सकते हैं, डाइनिंग मजलिस दोनों का इंतजाम है। ये कितने टाइम से चल रहा है जरा बताएं भाई? ये हमारा वैसे तो 1995 से है, लेकिन यहाँ नहीं, ओखला में, यहाँ में जो है 7 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हो रहा काम हमारा। तो भाई सारी चीज़ों से फारिग हो चुका है, हमने आपको अपना भी रिव्यू दिखाया, पब्लिक का भी रिव्यू दिखाया, और जो इनके ऑनर थे भाई एहसान चिकन पॉइंट के ऑनर जो थे, उनका भी, उनसे भी बातचीत जो करी वो भी आपको दिखाई। भाई तकरीबन वीडियो में ना हमने सब कुछ ही कैप्चर कर लिया, कुछ ऐसा बचा नहीं है जो इस वीडियो में शूट ना हुआ हो। तो भाई इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।